एक गांव था जो शहर से काफी दूर था। गांव के ज्यादातर लोग खेती या फिर पशुपालन पर निर्भर करते थे, लेकिन गांव का एक किसान जो अपने खेतों में हर बार कुछ न कुछ अलग फसल लगाया करता था। अब की बार किसान ने अपने खेतों में धान की बुआई की थी। धान की खेती के लिए पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लेकिन कुदरत ने इस बार बहुत कम बारिश की। किसान बड़ा दुखी रहने लगा। किसान सोचने लगा कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं जो भी करता हूं वही गलत होता है। कहने लगा कि मेरी तो जिंदगी ही खराब है, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तभी एक दिन हुआ यूं कि गांव में एक बड़े साधु आए हुए थे और वह साधु किसान के पास भी आए। तो किसान ने साधु से पूछा कि बाबा मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। साधु ने किसान की बात सुनी और किसान से कहा कि तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, और किसान से कहा कि तुम अपने खेतों को किससे तैयार करते हो। किसान तुरंत अपना फावड़ा लेकर आया और कहा कि सबसे ज्यादा खेतों में मैं इसी का इस्तेमाल करता हूं, इसके बिना तो खेतों में काम करना ही मुश्किल है। साधु ने फिर पूछा कि तुम इस फावड़े से कितने घंटे तक अपने खेतों में काम करते हो। किसान ने साधु की इस बात का जवाब देते हुए कहा कि आप घंटे तो छोड़िए, मैं तो पूरे दिन भर उस खेत में ही लगा रहता हूं। इतना सुनकर साधु ने किसान से कहा, ठीक है, ऐसा करो कि इस फावड़े को अपने कंधे पर रखो और आज मेरे साथ चलो। किसान ने अपना फावड़ा कंधे पर रखा और साधु के साथ चल दिया। चलते चलते आधे घंटे बीत चुके थे, लेकिन किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर फावड़े से किसान के कंधे पर भी दर्द होने लगा था। किसान फावड़े को कभी एक कंधे पर तो कभी दूसरे कंधे पर रखने लगा। किसान फिर भी साधु के साथ चलता रहा। अब चलते चलते लगभग एक घंटे बीत चुके थे और इधर किसान के कंधे जवाब दे रहे थे। किसान ने फिर हिम्मत की और साधु के साथ चलता रहा। किसान को फावड़े की वजन से बहुत ही तकलीफ होने लगी थी। अब किसान और साधु को चलते चलते लगभग दो घंटे बीत चुके थे और अब वही फावड़ा किसान को इतना वजन लगने लगा कि किसान ने अपने कंधे पर रखा फावड़ा जमीन पर दे मारा और कहा कि मैं अब आपके साथ आगे नहीं चल सकता हूं, मेरे दोनों कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। साधु ने कहा, यही तो होता है। किसान ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने अपनी बात किसान को समझाते हुए कहा कि जिस फावड़े से तुम पूरे दिन खेतों में काम कर सकते हो, उसे तुम दो घंटे भी अपने कंधे पर नहीं रख सके। जब तुम फावड़े से खेतों में काम करते हो तो तुम्हें इसके वजन का एहसास नहीं होता, और जैसे ही तुमने इससे काम करना बंद किया और अपने कंधे पर लाद दिया तो यह बोझ बन गया। कुछ यही समस्या तुम्हारे साथ भी है। जब तुम परेशानियों का सामना करते रहोगे तो खुश रहोगे, और जैसे ही तुमने अपनी परेशानियों का सामना करना बंद कर दिया और उसके बारे में सोचना शुरू किया तो ये फावड़े की तरह ही तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगी और तुम निराश और दुखी होने लगोगे। मुश्किलों का सामना करते हुए जीना ही जिंदगी है। सभी के जीवन में कभी न कभी परेशानियां तो आती रहती हैं। अगर हम इन परेशानियों का सामना नहीं करते हैं और इनके बारे में सिर्फ सोचकर ही रह जाते हैं तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में मुश्किलें ना हो। हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर हमें खुश रहना है तो हमें उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हों, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि खाली बैठकर
खुली आंखों से सपने देखने का कोई परिणाम नहीं निकलता। खाली बैठकर खुली आंखों से सपने देखने का कोई परिणाम नहीं निकलता और मुसीबतों का सागर हाथ पैर मारे बिना कभी पार नहीं होता, क्योंकि आप मुसीबतों की लहर को तो नहीं रोक सकते पर तैरना जरूर सीख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।